Welcome, my dear students. This is our lecture second about amines. Here we are going to discuss classification of amines. In the lecture first, we have discussed about basic introduction of amines as well as about their structure. वहाँ पे हम लोगों ये amines की definition, amines की derivation, हम कहाँ से इनको derive करते हैं, उनकी importance क्या है, amines की importance in our day-to-day life क्या है. Also, we have discussed about the structure of amines in the lecture first. Now, in the lecture second, we are discussing classification of amines. Amines, प्यारे बच्चों, are generally classified into three types. जो बेटा आप लोगों ने पहले लेक्चर में वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि amines are the derivatives of ammonia. हम amines को कहां से डेराइव करते हैं, शाबाश, अमोनिया से. अमोनिया से किस तरह से हम जो हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया होते हैं वो वी आर रिप्लेसिंग देम by any alkyl or them by any aryl group. Shabash. वहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा कि if we will replace one hydrogen atom, there is the formation of by any alkyl group, there is the formation of RnH2. अगर if we will replace two hydrogen atoms, there is the formation of R2nH. If we will replace three hydrogen atoms, there is the formation of R3n. वहाँ पे बेटा मैंने RnH2 को primary amine, R2nH को secondary, and R3n को शाबाश टर्शियरी अमाइन कहा था. नाउ प्यारे बच्चों, अमाइन्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. प्राइमरी वन नॉट अमाइन, सेकेंडरी टू नॉट अमाइन, एंड टर्शियरी थ्री नॉट अमाइन. शाबाश, अब आप लोगों को समझ आ गया होगा. प्राइमरी अमाइन RnH2, सेकेंडरी अमाइन R2nH, शाबाश, टर्शियरी अमाइन शाबाश R3n, वायर R डिनोट्स एनी शाबाश अल्काइल ग्रुप. अगर शाबाश यहाँ पे हम लोगों ने इस हाइड्रोजन एटम को Ar से रिप्लेस किया शाबाश एराइल ग्रुप से, तब शाबाश ArnH2, दिस इज ऑल्सो द प्राइमरी अमाइन. Ar whole twice NH, this is secondary amine. Ar whole thrice N, शाबाश बेटा, this is the tertiary amine. Ar denotes as any aryl group, शाबाश बेटा. Now we are saying that amines are generally classified into three types, primary, secondary and tertiary. R denotes any alkyl group, शाबाश, R के बदले यहाँ पे CH3 हो सकता है, it is CH3NH2. यहाँ पे अगर CH3 R ग्रुप CH3 होंगे तो CH3 होल ट्वाइस NH, CH3 होल थ्राइस N, टर्शियरी अमाइन्स, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी. शाबाश, अब आप लोगों को इजीली समझ आ गया होगा कि प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होते हैं, एंड टर्शियरी अमाइन्स क्या होते हैं, व्हाट इज देयर जनरल फार्मूला. शाबाश, देयर आर ऑल्सो, प्यारे बच्चों, देयर आर ऑल्सो टू कैटेगरीज ऑफ अमाइन्स. शाबाश, टू कैटेगरीज ऑफ अमाइन्स. वन इज एलिफेटिक अमाइन्स, सेकेंड वन इज एरोमेटिक अमाइन्स. द टर्म एलिफेटिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए टर्म एलिफेटॉस, विच मीन्स वेजिटेबल आर एनिमल फैट. शाबाश, एरोमेटिक, द टर्म एरोमेटिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म एरोमा, विच मीन्स फ्रेग्रेंट स्मेल. शाबाश, एलिफेटिक अमाइन्स एंड एरोमेटिक अमाइन्स. प्यारे बच्चों, इजिली आप लोग समझ जाओगे. इफ शाबाश, वी आर सेइंग दैट अमाइन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. इफ वी विल रिप्लेस हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया बाय एनी अल्काइल ग्रुप, बाय एनी आर ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल, शाबाश, यहां पर मैं एलिफेटिक एक्सप्लेन कर लूंगा. इफ वी विल रिप्लेस हाइड्रोजन एटम्स, यहां पर मेरा NH3 है, हमने शाबाश हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया को रिप्लेस किया है, शाबाश, बाय एनी आर ग्रुप, प्लस आर, शाबाश, माइनस एच, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ RnH2. शाबाश, एक हाइड्रोजन एटम को हमने रिप्लेस किया,
प्राइमरी एमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है, दो को रिप्लेस कर लेंगे तो सेकेंडरी एमाइन की, तीन को रिप्लेस कर लेंगे तो टर्शियरी एमाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। एलिफेटिक एमाइन्स आर दोज एमाइन्स व्हिच आर फॉर्मड इफ वी विल रिप्लेस हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया बाय एनी आर ग्रुप, मतलब अल्काइल ग्रुप। इसकी शाबाश एग्जाम्पल्स है, एलिफेटिक एमाइन्स की एग्जाम्पल्स है आर एन एच टू, आर टू एन एच, शाबाश आर थ्री एन, शाबाश आर, शाबाश अगर सी एच थ्री होगा तो सी एच थ्री एन एच टू, शाबाश सी एच थ्री होल ट्वाइस एन एच, शाबाश सी एच थ्री होल थ्राइस एन, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, शाबाश आर के बदले आर रिप्रेजेंटस आसेंगी एल्काइल ग्रुप। मिथाइल एमाइन डाइमिथाइल एमाइन, ट्राइमिथाइल एमाइन है, ट्राइमिथाइल एमाइन इज अ टर्शियरी एमाइन, डाइमिथाइल एमाइन इज अ सेकेंडरी एमाइन, मिथाइल एमाइन इज अ प्राइमरी एमाइन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एलिफेटिक एमाइन्स। प्यारे बच्चों, वी आर सेइंग दैट इफ वी विल रिप्लेस हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया बाय एनी अल्काइल ग्रुप एट दैट वेरी टाइम द एमाइन्स व्हिच आर फॉर्मड आर एलिफेटिक इन नेचर। शाबाश, नाउ एरोमेटिक एमाइन्स। शाबाश बेटा, एरोमेटिक एमाइन्स। सिंपली मैंने आप लोगों को पहले कहा कि शाबाश एमाइन्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, सॉरी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी क्या होते हैं, जनरल फार्मूला क्या होगी उनकी, सेकेंडरी क्या होगी, सेकेंडरी की फार्मूला क्या होगी एंड टर्शियरी की फार्मूला क्या होगी, टर्शियरी एमाइन्स की फार्मूला क्या होगी। ऑल्सो देर आर टू कैटेगरीज ऑफ एमाइन्स, एलिफेटिक एमाइन्स एंड एरोमेटिक एमाइन्स। शाबाश बेटा, एलिफेटिक एमाइन्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि दीज आर दोज शाबाश एमाइन्स विच आर फॉर्मड इफ वी विल रिप्लेस शाबाश हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया बाय एनी अल्काइल ग्रुप, प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। एरोमेटिक एमाइन्स, अगर हम लोगों ने एन एच थ्री जो है, अमोनिया जो है ए आर ग्रुप से शाबाश रिप्लेस किया हाइड्रोजन एटम्स को, एट दैट वेरी टाइम शाबाश एरोमेटिक एमाइन्स आर फॉर्मड, एरोमेटिक एमाइन्स आर formed, means that means if we will replace hydrogen atoms of ammonia by any aryl group, by any AR is the aryl group, there is the formation of aromatic amines. Shabash beta, aromatic amines. Shabash, aromatic amines are also of two types. Shabash, these are also of two types. First one, nucleus substituted. Nucleus substituted. शाबाश एरोमेटिक एमाइन्स। सेकंड वन इज साइड चेन, साइड चेन सबस्टिट्यूटेड। न्यूक्लियस सबस्टिट्यूटेड आर आल्सो नोन एज एराइल एमाइन्स, दीज आर आल्सो नोन एज एर एल्काइल एमाइन्स। शाबाश बेटा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। न्यूक्लियस सबस्टिट्यूटेड एरोमेटिक एमाइन्स आर दोज एमाइन्स। शाबाश, देख लीजिए बेटा, मैं न्यूक्लियस सबस्टिट्यूटेड को एक्सप्लेन कर लूंगा, इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगा कि एआर, एआर इज द एराइल ग्रुप, जनरली एआर इज शाबाश C6H5 ये वाला, शाबाश बेंजीन से निकला है, शाबाश बेंजीन से निकला है। शाबाश, अगर हम एक हाइड्रोजन एटम बेंजीन से निकालेंगे, इट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, एक हाइड्रोजन एटम को निकालेंगे इट बिकम्स C6H5, इट इज आल्सो नोन एज फिनाइल, फिनाइल रिंग C6H5, C6H6 इज द बेंजीन, C6H6 इज द बेंजीन रिंग। शाबाश बेटा, नाउ आई एम सेइंग दैट AR is generally C6H5. If nucleus substituted, मैं कह रहा हूं कि aromatic amines वो amines होते हैं शाबाश which are derived if we will replace hydrogen atoms of ammonia by any aryl group, AR group. Aryl group generally होता है C6H5. अगर कारे बच्चों, what are now nucleus substituted? मैं यहां पे आप लोगों को एक example दे दूंगा। This is your phenyl ring. If nitrogen atom is directly attached to the benzene, what we can say aryl ring, if the nitrogen atom is directly attached to the aryl ring, yeah, in other words
nucleus substituted aromatic amines are those amines in which there is a direct connection, direct bond between nitrogen and the Shabash aryl ring. This is primary Shabash aromatic amine. Yahan pe main Shabash secondary bhi bana sakta hoon is tarah se, Shabash NH Shabash yahan pe. Shabash, this is also C6H5 aryl ring, aryl group. Are you getting my point? Huh? Ya is tarah se hum likh sakte hain, this is secondary C6H5 NH2, this is primary aromatic amine C6H5 whole twice NH, this is secondary aromatic amine C6H5 whole thrice N, tertiary aromatic amine. Yahan pe agar teen phenyl rings attach honge hydrogen nitrogen atom ko, at that very time we will see that these are the aromatic amines, but nucleus substituted aromatic amines. Kyun? Kyunki nitrogen ka jo direct connection hai with the Shabash phenyl ring, Are you getting my point? Shabash. Now side chain substituted. Shabash beta. Second one, aromatic amine is side chain substituted. These are those aromatic amines in which nitrogen atom is attached to the side chain of the phenyl ring. Simple terms mein hum keh sakte hain. For example, yahan pe ye benzene ring, phenyl ring hai, CH2, NH2. Matlab, ye CH2, it is considered as, shabash, the side chain of this very, shabash, aryl ring ya phenyl ring, nitrogen atom attach hai side chain ko, this is primary. Yahan pe agar, shabash beta, this is secondary amine, this is primary amine. Here pyare bachcho, in this very case we are saying that these are side chain substituted aromatic amines, means the nitrogen atom is attached to the side chain of the aromatic ring. Here also the nitrogen atom is attached to the side chain of the aromatic ring. Shabash, this is primary amine, this is secondary amine. Agar yahan pe hydrogen atom ke badle koi phenyl ring hum le lenge, then it becomes tertiary amine. Are you getting my point? Bahut easy hai. Side chain substituted aromatic amines kya hote hain? Shabash, nucleus substituted aromatic amines kya hote hain? Shabash, primary, secondary and tertiary, bahut easy hai classification of amines. Also pyare bachcho, I am saying that for example mere paas secondary amine hai, secondary amine ki general formula hai R NH R dash. Iska matlab hai R and R dash are different shabash alkyl groups. For example yahan pe mera CH3 hai, NH yahan pe C2H5 hai, shabash. Dusra hai R NH R. Iska matlab hai ye R aur ye R same hai, that means CH3 NH CH3, shabash. Yahan pe bhi methyl group hai, yahan pe bhi methyl group hai, ya yahan pe bhi ethyl ho sakta hai, yahan pe bhi ethyl ho sakta hai. Ha, agar R dash hoga to different hai, R se different hai. Yahan pe ethyl, yahan pe methyl, yahan pe propyl, yahan pe butyl and so on. Are you getting my point? Shabash. If shabash, the alkyl groups on both sides of the nitrogen in case of secondary or in case of tertiary amines are same, or agar alkyl groups around nitrogen in case of secondary or tertiary amines, shabash, ye secondary amine hai, agar tertiary amine hoga, shabash, is tarah se NCH3 CH3 CH3, shabash, all the three methyl groups are the same. At that very time these are known as simple amines. Ye simple amines are those amines in which shabash the alkyl groups around the nitrogen atom in case of secondary and tertiary amines are same. If they are different, yahan pe CH3 hai, yahan pe C2H5 hai,
then these are known as mixed amines. Mixed amines. What are simple amines and what are mixed amines? Simple amines are those amines in which shabash nitrogen atom is attached to the same alkyl or aryl groups. Alkyl bhi ho sakte hain, aryl bhi ho sakte hain. Agar tertiary amine mein tino ke tino same hain ya secondary amine mein dono same hain, to simple. Agar different honge, to mixer. Shabash. That is all about classification of amines, primary, secondary, tertiary. Also, what are aliphatic amines, what are aromatic amines, shabash, and shabash, simple amines kine kehte hain aur mixed amines kine kehte hain. In the lecture third, we will come about with nomenclature of amines. Shabash. Thanks.